हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैंने कुछ सामान परचेस किया है। यदि आपके घर में भी एसी है तो आप इस सामान को परचेस कर लें, हमेशा आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। यदि आपकी एसी में गैस लीक कर रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे के पूरे टूल्स 1200 रुपये के आसपास पूरा सामान मिल जाने वाला है। पूरा अमेजन पे मिल जाएगा आपको, कहीं आपको भटकना नहीं है। अमेजन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से इनको परचेज़ कर रहा। तो एक तरह का नीला वाला मीटर आएगा जो आपके कार में भी गैस भर देगा, एसी में भर देगा। और ये जो पाइप है, ये दो पाइप आपको खरीद लेनी है। और ये दोनों पाइप आपकी चाहे कार हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, कोई सा भी एसी हो, सब में ये गैस भर देगा। तो एक मैंने तो कुल मिला के ये जो नीला वाला जो मीटर आपको दिखा रहा था, इससे आप 22 नंबर गैस हो, ये चाहे आप कार की 134A हो, फ्रिज की गैस हो, कोई भी हो, आप इससे फिल कर सकते हैं। और एक बहुत भारी भरकम जो आपको अमाउंट देना होता है मैकेनिक को, तो उससे बचा जा सकता है। तो बहुत आसान होता है गैस भरना, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। लीकेज की कोई प्रॉब्लम है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप लीकेज सुधार सकते हैं। और इन गैस पाइपों के साथ कुछ रबड़ के बाइसर जो आए हैं, तो ये पाइप काफ़ी ड्यूरेबल है। और इनके यदि कभी कभार वाइसर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए कंपनी इसमें जो रबड़ के कुछ वाइसर साथ में दे रही है। ये क्या होता है, जब हम गैस भर रहे होते हैं तो कोई लीकेज ना हो, इसलिए ये पाइप के अंदर फंसे होते हैं, इसके छेद के अंदर। तो ये समय ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, जैसे जो मैकेनिक होते हैं, सर्विस सेंटर वाले होते हैं, उनको दिन भर में चार चार छः छः एसी में गैस भरते हैं, तो उनके ये कट जाते हैं, तो ये उनको रिप्लेस कर लेते हैं। और उनकी ये पाइप काफ़ी काम आती है। तो कुल मिला के ये दो पाइप का सेट ले लें, एक मीटर लेना है, और एक मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप इस तरह की एक नोजल ले लें। आप जे क्या होता है, कोई भी आप गैस भरने जा रहे हैं, चाहे कार में हो चाहे किसी में हो, तो ये एक कैन टेप होता है। ये कैन टेप मतलब किसी भी कैन पे आप लगा के उसमें से गैस निकाल के, जैसे ये R22 फ्लोरॉन गैस है, पुराने एसीयों में जो लगती है, अब नए एसीयों में अलग अलग नंबर की गैस आती है, कैन कैप होती है, इसके ऊपर लगा देना है। आप इस तरह से लगाएंगे, और जैसे ही आप कस देंगे इसको, पहले आप लगाने के पहले आप इसको पहले पूरा ढीला कर लीजिए, ढीला करके इस तरह से आपको इसमें लगा देना है। और लगाने के बाद जैसे ही आप इसको लाल वाली नॉब को आप जैसे खोलना शुरू करेंगे, तो गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप पूरा इसको टाइट करके लगा लें। ये कैन कैप है, तो इस सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप परचेज़ कर लो, ये किट बना के रख लो। यदि आपने एक या दो बार भी गैस भर लेंगे, तो दोस्तों आप खुद समझ जाएंगे ये किट के पैसे तो वैसे ही वसूल हो जाने हैं, पहली गैस में ही आपके पूरे किट के पैसे वसूल हो जाएंगे। तो बहुत सारे एसी वगैरह में आपने देखा होगा अपने घरों में, कि समय रहते रहते धीरे धीरे करके कार में गैस आ रहा, धीरे धीरे लीक हो जाती है, निकल जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में आप टेक्नीशियन बुलाते हैं, तो वो थोड़ी सी गैस डालते हैं, और लगभग आपसे 1500 से लेकर 2500 रुपये गैस फिलिंग या गैस रिफिलिंग के नाम से आपसे पूरा मोटा पैसा वसूल कर ले जाते हैं। तो यहाँ जी R22 की जो कैन दिख रही है, ये काफ़ी सबसे महंगी आती है, और ये करीबन 420 रुपये के आसपास में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इन कैनों को ले सकते हैं। तो एक एसी में ज़्यादा से ज़्यादा 1100 ml लगती है, और ये 950 ml में भी मिल जाती है, और 400 ml में मिल जाती है। तो आप दो कैन ले लें, एक 900 ml की ले लें, एक 400 ml की ले लें, तो उसमें से भी 200 ml बच जाएगी। कुल मिला के आप घर पे गैस रिफिल कर लेंगे, अपने एसी में पूरी गैस निकाल के रिफिल करेंगे, तो आपको 1100 ml के आसपास गैस लगेगी। तो उस समय आपका जो चार्ज होगा वो लगभग ऐसा मान लें 1100 रुपये के आसपास में आप पूरी नई गैस भर देंगे। और यदि वही मैकेनिक से आप भरवा रहे हैं, तो 2500 रुपये ले जाता है, और उनकी गैस की जो क्वालिटी होती है वो हल्की होती है, क्योंकि वो रीरिफिल सिलेंडर से भरी हुई होती है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कैसे इसको गैस को आपको भरना है। तो मैंने कैन कैप लगा चुका था, वहाँ पर आपने देखा था। तो कनेक्शन आप इस तरह से देख लें, ये दोनों डॉट हटा देते हैं हम मीटर में से, और एक जो पाइप है वो आप नीचे लगा दें आप इसमें। और इसमें आपको ये देखना है कि पाइप के अंदर एक छेद होता है, एक तरफ प्लेन रहेगा, और एक तरफ इसमें इस टाइप का आपका एक वो रहेगा, वॉल को दबाने के लिए रहेगा। तो आपको सिंपल जो खाली वाला रहेगा उसको आपको इसमें लगा देना है, और अच्छे से थोड़ा सा टाइट कर दें आप, जिससे गैस वगैरह का लीकेज ना हो। नॉर्मल टाइट करना है, ऐसे ज़्यादा भी टाइट ना कर दें। और दूसरी तरफ भी ऐसे ही दो पाइप में दो रहेंगे, तो दूसरी तरफ का भी ओपन वाला आपको इस तरह से लगा देना है, जो छेद में एक पतली निप डली होगी या जो कील टाइप की होती है उसको नहीं लगाना है, और उसको लगाएंगे हम एक कैन के ऊपर। तो कैन के ऊपर आपको लगाना है, जो आपका रिंग लगा हुआ है उसके जस्ट अपोजिट में जो पाइप है उसको आप इसमें कैन में आप इस तरह से फिट कर दें, जो हमें घड़ी में जो रिंग दी हुई है उसको गैस को खोलने के लिए, उस रिंग के अपोजिट साइड का हमने कैन में फिट कर दिया। और घड़ी के जो अपोजिट साइड का रहेगा उसको हम डालेंगे गैस, मतलब जो
इसको आप देख लें आप, मैंने अभी कैन लगा दिया और कैन से अभी गैस को खोला नहीं है। और जो घड़ी के अपोजिट रहेगा वो मैं लगाऊंगा अब यूनिट में। तो चलिए अब मैं यूनिट में आपको उसमें लगा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इन सबको परचेज़ करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम मैं ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ जो आप घरों पर सही कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो ये देख सकते हैं आप, मोटी साइड जो पाइप होती है हमेशा एक ही होती है, एक ही जगह होती है, वहीं आपको लगाना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। स्प्लिट एसी में जो मोटा पाइप होता है एक पतला पाइप होता है, मोटे पाइप की तरफ आप इसको लगा दें। और देखो, आसानी से मैंने उसमें से डिब्री खोल दी थी और इसको लगा दिया है। तो इसमें जो निपल होती है उससे उसका वॉल खुल जाता है, जैसे अपन ट्रक के, बस के या कार के टायर में हवा भरते हैं तो उसके अंदर भी एक निपल होती है, नोजल होती है उसको गैस को रोकने के लिए, वही इसमें होती है, सेम की सेम होती है। तो वो इससे खुल जाती है और इसमें गैस जाने लगती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा टाइट कर दिया, अब आप देख सकते हैं अंदर का प्रेशर कितना आ रहा है। अभी जो मेरे यहाँ सर्विस वाले करने वाले आए थे माने गैस में, तो उन्होंने सिर्फ 50 PSI भर के दिया हुआ है। मतलब वो क्या होता है, जो आप बाहर से सर्विस करवाते हैं इंजीनियर से, तो वो बहुत कम गैस डाल के जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका गैस का खर्च बच जाता है। और लेकिन इसका आपको ड्रॉबैक ये होता है कि आपको बिजली पूरी लग रही होती है और कूलिंग पूरी नहीं मिल रही होती है। इसलिए मैंने ये सारा सामान ले लिया। अब 50 वो डाल के गए थे, इसलिए मैंने छोटी वाली कैन ली है 400 ml की, तो इसमें 200 पॉइंट मैं डाल दूंगा। अब मैंने कैन का भी देखो, मैंने नॉब खोल के उसको चालू कर दिया है। आप इस तरह से कैन को, लाल नॉब को खोलेंगे, जैसे ही आप लाल नॉब को खोल पाने कसेंगे तो वहाँ से आपका कैन का नोजल खुल जाएगा और जो उसमें सील होती है वो टूट जाएगी, और उसको फिर से दोबारा खोल देना है। जैसे आप खोलेंगे गैस यहाँ पर आने लगेगी, और गैस को एकदम से एक बार में पूरी नहीं डालना है, अब थोड़ा सा देखो ढीला करना है, 1-2 सेकंड के लिए, और जो गई गैस और आप तुरंत बंद कर दें इस तरह से। एसी में इस तरह से कर करके आप 70-80 PSI तक ले जा सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाला फिर बंद कर दिया। अभी इस समय यूनिट चालू है और मैं ज़रा सा गैस डाली, छोड़ी, प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया और बंद कर दिया। तो इस तरह से आपको धीरे 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 करके मैं 70-80 PSI तक ले जाऊंगा। 70-80 PSI जो होता है, 70-80 PSI के बीच का जो होता है, तो वो एक बेहतरीन कूलिंग देगा आपके एसी में। और आप इसका एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। एम्पियर कैसे चेक करना, उसके लिए मैंने एक आपको वाईफाई प्लग का एक लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस प्लग को ख़रीद लें, उसको आप एसी के जो पावर प्लग है वहाँ लगा दें, तो वहाँ से आपको एम्पियर, वोल्टेज सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। काफ़ी अच्छा है वो वाईफाई प्लग है, आप किसी भी जगह से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपका वो वाईफाई प्लग का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप एक बार उसको देख लेना, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल है। तो वो वाईफाई प्लग से मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए वो वाईफाई प्लग वो दिखा रहा है नीचे से, मैं जो हमारी यूनिट लगी हुई, तो 8.2 एम्पियर ले रही, मैंने 8236 एम्पियर का करंट ले रही है, 1747 वॉट ले रही है अभी यूनिट। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें PSI और बढ़ाऊंगा, जिससे 8.2 एम्पियर का जो है करंट 8.2 की जगह 9 एम्पियर हो जाना चाहिए। तो ये मैं थोड़ी सी गैस और खोली और ये बंद कर दी इस तरह से। तो इस तरह से ही यूज़ करना है, एकदम से लगातार मत खोल दें कैन को, उससे क्या होता है एसी भी एकदम लोड पड़ जाता है और कंप्रेसर वगैरह ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में आप धीरे धीरे गैस को खोलते जाएं, और आप देखिए यहाँ पे 8.2 ही अभी एम्पियर है और 1765 वॉट के आसपास है, तो इस ये एम्पियर आपके 9 एम्पियर के आसपास तक पहुँच जाएगी। वोल्टेज भी आपका लगभग 1900 वॉट के आसपास जो एसी का रनिंग लोड होता है उस पर पहुँच जाएंगे। और ये देखिए PSI मैंने अभी 60 नहीं हुआ है, अब जैसे मैंने जैसे लॉक खोला, गैस दी और लॉक कर दिया, अभी देखिए 60 के आसपास पहुँचने वाला है। और 60 के आसपास पहुंचने में इसका एम्पियर अब आप देख सकते हैं 8273 एम्पियर दिख रहा है, 1758 वॉटेज अभी कंजम्पशन दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, यदि आपकी गैस कम है तो 1700-1800 या 1900 वॉट जो आपका एसी खा रहा होता है, बिजली कंज्यूम कर रहा होता है, लेकिन कूलिंग उस प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, इसलिए गैस का टॉपअप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप सीख लें, बहुत छोटा सा एक ट्रिक है, वो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। आप देखिए अब 60 तक मैंने कर दी है, और ऐसे ही धीरे 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 करके आपको गैस को फिल करना है। और ये देखिए मैं तो कुछ सेकंड के लिए खोला और बंद कर दिया, कुछ सेकंड को खोलना है और बंद कर देना तुरंत नॉब को, और थोड़ी देर यूनिट को चलने दें, माने आप कुछ सेकंड के लिए खोलें, यूनिट चलने दें आप एसी की, और आप देखते जाएँ एम्पियर को नोट करते रहें, एम्पियर 9 आ जाएगा आपके नीचे जो आपकी यूनिट लगी है। और एक गैस में से देखो थोड़ा सा ठंडी हो जाती है जब आप खोलते हैं, तो इसको आप आड़ी लटा के रख दें, कैसी भी रख दें, गैस तो उसमें इतने प्रेशर्स के साथ होती है कि चली जाती है। तो अब मैं देखिए फिर से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ,
ये थोड़ा सा खोला और फिर बंद किया तुरंत ही, बस आपको इतना कर करके आप इसको 70, 75, 80 मैक्सिमम होता है दोस्तों, 80 कंपनी देती है लगभग, और 70, 75 में आपका एम्पियर भी अच्छा आ जाएगा, 9 एम्पियर के आसपास सही है आपको नीचे का, और जैसे देखिए 8.2 था अभी आपको पहले देखा था, अब 8.93 एम्पियर है, 8,360 एम्पियर के आसपास है, और 1,778 वोल्टेज का कंजम्पशन होने लगा है। तो इस तरह से वोल्टेज कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा 100-200 वाट बढ़ेगा, लेकिन आपकी कूलिंग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे। तो इस सारे इक्विपमेंट को खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो एक बार आप परचेज कर लेना, और जब आपकी गैस पूरी वगैरह निकल जाए तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। यदि आपकी एसी गैस पूरी निकल जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, बंद एसी में भी आप गैस रिचार्ज कर सकते हैं। 900 ml की कैन आप एक बार में उसमें डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1100 ml तक का एसी का कैपेसिटी होती है, 1100 ml इसमें गैस लगती है, और बाकी एसी की यूनिट के ऊपर भी लिखा होता है, तो आप उस यूनिट पर देख लें कि कितना ml आपकी गैस लगने वाली है, तो उस हिसाब से आप गैस बंद एसी में भी फिल कर सकते हैं इस तरह से, और फिर आप एसी स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी कूलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसे देखें, मेरा 9 एम्पियर तक धीरे धीरे करके पहुंच गया है यहाँ करंट, तो जो 9 एम्पियर पहुंच गया है तो इसका मतलब अब एसी में गैस प्रॉपर पहुंच चुकी है, और 1954 वाट का अभी एसी का कंजम्पशन आ रहा है, 1956, 1954 जो 1950 वाट के आसपास कंजम्पशन है, तो ये पुरानी यूनिट है हमारी, तो वो इतना ही खाती है, 2 kW के आसपास इसका कंजम्पशन होता है, और यहाँ आप गैस देख सकते हैं मैंने अभी करीबन इसमें 70 के आसपास पहुँच चुकी है, 65-70 के बीच में है। तो इतने में एसी परफेक्ट आपका वर्क करने लगा, आप इसको बंद करके आप आराम से निकाल दें, और निकालने के बाद अब इस कैन को आप ऐसे ही आप चाहे तो रख सकते हैं, उसकी नोजल को आप अच्छे से जो लाल वाला जो कैप है उस, अब आप इसको देख लें, चेक कर लें एक बार, और यहाँ पे आप मैं गैस चेक करके दिखा रहा हूँ, और इसको फिर से आप कैप को बंद कर दें, और आपका एसी अब बिल्कुल चिल्ड करने के लिए तैयार है। और जब आप इस कैन को रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ ड्राई एंड कूल प्लेस हो, गर्म जगह ना हो, इस यदि आपके पास बची हुई गैस है, और ये काफ़ी ज्वलनशील होती है, तो ऐसी जगह भी मत रखें जहाँ कोई आग वगैरह हो आसपास, या कोई शॉर्ट सर्किट जिससे गैस में आग लग सके। तो इस तरह से आप इसको अपनी पाइप को खोल के आप अपने पैक के द्वारा कर सकते हैं, और जो लाल नॉब है इसको पूरा कस के बंद कर दें जिससे गैस का रिसाव ना हो, और आप इस तरह से डॉट लगा के इसको बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे आप गैस भरना आसानी से सीख गए होंगे। मैंने भी दोस्तों पहली बार ही इसमें गैस भरी है, आपको दिखाते हुए पहली बार ही मैं इसमें करा और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो आप भी इसको भर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आपको और आगे देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें, जैसे आपको दोस्तों को मालूम चले कि आप कितने अच्छे वीडियोस देखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।